लोगों की आलोचना से कभी ना डरें। क्यों सर, लोग तो चिल्लाएंगे, अबे ये तो जेई कभी कर ही नहीं सकता, इसके औकात ही नहीं है जेई करने की। ऐसा जीवन में ऐसे बहुत सारे पल आते हैं जब आप कोई काम कर रहे हैं, आपको लोग नेगेटिव करेंगे कि नहीं यार तू नहीं कर सकता ये काम। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, खेल के अंदर जो देख रहे होते हैं ना बाहर से, वो चिल्लाते कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पर जो खिलाड़ी खेल रहा होता है ना, वो कभी नहीं चिल्ला, वो केवल अपना काम कर रहा होता है। तो जस्ट डू योर वर्क। आप अपनी लाइफ से इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, इन सबको डिलीट करें। ये वो चीज है ना जो आप अभी आप क्लास कर रहे होंगे तो ऊपर से नोटिफिकेशन आ जाएगा, या आप कहीं ना कहीं आपका दिमाग डाइवर्ट होगा कि मैं रील्स देख लेता हूं। और दुनिया की सबसे वाहियात चीज अगर कोई बनाई गई है ना तो वो रील्स है। इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है आपकी, ऐसा नहीं कि बुरा है, आप जब उस लेवल पे पहुंच जाए, आप IIT क्वालिफाई कर लें, उस दिन से देखिएगा ना यार क्या दिक्कत है। पर अभी आपको अपने जीवन पे काम करना है, अभी आपको मेहनत करनी है, अभी इन चीजों पे बिल्कुल ना जाएं कि यार ये रील्स देखता हूँ ये करता हूँ। आप सीरियसली बता रहा हूँ, आप केवल दर्शक बन के रह जाएंगे कि यार लोग IIT जा रहे हैं और मैं नहीं जा पा रहा हूँ। ये दिल, ये बात आपने मेरी सुनी भी होगी, ये दिल कभी लगेगा नहीं, तुम्हें लगेगा लगने लगा है, तुम्हें लगेगा लगने लगा है, समझ रहे हो ना, पर ये दिल कभी लगेगा नहीं। IIT नहीं जाओगे ना, तुम्हें लगेगा कि मैं कोई बात नहीं, पर नहीं, अंदर की बात जानती कि मैंने IIT क्वालिफाई की, औकात है मेरी। ये फील अगर लेनी है ना तो जो ना मेहनत करो। अपन हंसी मजाक पूरी करते हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं तो बहुत सीरियस। स्वयं लिटरली आई एम टेलिंग यू, आप लोगों से कभी ना डरे कि मेरे को घर वाले ताना देते हैं। एक बच्चे ने कमेंट में लिखा कि तुम मेरे को घर वाले ताना देते हैं कि तुझसे नहीं हो पाएगा। बोले ठीक है कोई बात नहीं, सॉरी सॉरी, ठीक है मम्मी। उसको पॉजिटिव ले लो, अंदर नेगेटिव मत लो कि नहीं हो रहा मुझसे नहीं होगा। आप जीवन में कभी आलोचना से ना डरे। लोग तो कहेंगे, जब मैं आया था तो अभी लोगों ने कहा ऑनलाइन बहुत मुश्किल है, लेकिन जब करते गए ना मेहनत तो करते चले गए, रिजल्ट भी ला रहे हैं, आज रिजल्ट लेके आ रहे हैं, टॉपर्स बच्चों को हम यहाँ से निकाल रहे हैं। भाई IIT का कट ऑफ 40 नंबर अब जाने का मतलब ही क्यों है, पता है आपको क्यों गया ऊपर? इस इंस्टीट्यूट ने, फिजिक्स वाला ने जो काम किया ना भाई, आज घर घर एजुकेशन पहुंच गई, और हर बच्चा घर बैठ के वो कंटेंट पा रहा है कोटा वालों का कि भाई IIT निकालनी, जो हम यहाँ से निकालते करते हैं मेहनत, हो रहा है ना, तो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, आप भी करिए, सीरियसली बोल रहा हूं। सो लोगों की आलोचना से कभी ना डरें, कभी ना डरें, समझ रहे बात को, जस्ट कीप योर वर्क। जब आप अपना काम करते रहिए जीवन में, बाकी किसी परेशानी में डरने की जरूरत नहीं। होमवर्क कीजिए, अगर कोई बच्चा क्लास करता है और होमवर्क करता है, उसके अलावा उसको टाइम कभी बच ही नहीं सकता। अगर आपका टाइम बच रहा है, मतलब आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, और बच रहा है तो रिवाइज कर लीजिए। यूट्यूब पे जाकर क्लास खत्म हुई, एक एक वीडियो आ गया, ओ क्या बात कही थी, ये सब बातें बंद कर दीजिए। ये सब बातें उन लोगों के लिए हैं जो अगले साल JEE एडवांस के बाद बैठे होंगे, मेंस के बाद बैठे होंगे। मेरा रह गया, मैं आपको बता रहा हूं, क्लासेस, फिर शॉर्ट वीडियोस आएंगे, फिर ये आएगा, क्लास में मंजिल आ जाएगी। ये वो लोग हैं वीडियो यूट्यूब पे वीडियो वाले जो लास्ट में मंजिल के लायक बचेंगे। कह रहा हूँ आज से मेहनत करो, मेहनत करो, पाओ, तुम्हें भी खुशी होगी और मुझे भी खुशी होगी, दिल से।